टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टाणा में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस समय ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर इकबाल हुसैन साहब। इनसे हम यहाँ बातचीत करेंगे। 5 साल जो इनके कार्यकाल को लगभग पूरे बीत चुके हैं, अब तक के बीते हुए समय में किस तरह का योगदान इनका अपने पूरे ब्लॉक में और लगने वाली सभी ग्राम पंचायतों के विकास कार्य में रहा है, तो आइए बात करते हैं। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो कार्यकाल आपका लगभग एंड पर है, पूरी तरह से खत्म होने को है, तो अब तक के समय में आपके पूरे क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर के क्या योगदान आपका? मेरा जो ब्लॉक है भगतपुर टाणा, करीब 67 ग्राम पंचायत मेरे ब्लॉक में आती है। कोई भी क्षेत्र का कोना ऐसा नहीं रहा है जहाँ मैंने पिछले करीब 5 साल में विकास कराने की कोशिश ना की है। खास तरीके से आप ये देख लीजिए कि पिछले 30 सालों में जितना विकास हुआ है, शायद इतना 5 साल में मेरे अपने कार्यकाल में मैंने कराने की कोशिश की है। जब मैं प्रमुख बना था, हालात बहुत खस्ता थे पूरे ब्लॉक के, जहाँ ज़्यादा हालात खराब थे, मैंने वहाँ शुरू में प्राथमिकता उन गाँव की, फिर धीरे धीरे जो मेरे खुद के बहुत करीबी गांव हैं, मैंने उसमें आखिर में काम लगवाना, अब जाकर काम लगवाना शुरू किया है। भेदभाव की नीति से एक भी काम या एक भी किसी तरह का कोई नहीं किया गया है। हर वर्ग को, हर समाज को समान बराबर निष्पक्ष आपने जो भी जैसे कि अभी भी लगभग ज़्यादातर ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिसमें कई रास्ते वगैरह कच्चे हैं या कई तरह की समस्याएं दिक्कतें अभी हैं। ODF तो हालांकि सारी पंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ दिक्कतें अभी। ODF जो है वो सिर्फ शौचालय के लिए किया गया है, बाकी काम जो है विकास के जो कि चल रहे हैं, हर एक गाँव में काम कराया जा रहा है, चाहे वो ग्राम पंचायत जो बाहर के काम हैं, जो मेन रोड के काम हैं, वो ज़्यादातर क्षेत्र पंचायत करा रही है, लेकिन जो गलियाँ वगैरह हैं वो कराने का काम ग्राम पंचायत का है, जिसमें वो काम जो है क्षेत्र पंचायत के अंडर में नहीं आता है। काम चल रहा है। ODF का जहाँ तक सवाल है, तो ODF सिर्फ शौचालय के लिए किया गया है, अभी बाकी विकास के लिए ODF नहीं। तो इन सभी में अब जैसे कि हालांकि ये जितने भी विकास कार्य ग्राम पंचायतों में करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं या अब तक हुए हैं, उनमें आप ही का जो है प्रमुख योगदान रहा है, तो इसमें अब जो समस्याएं गाँव में अभी भी हैं उनको लेकर के क्या विचार है आपका? विचार यही है कि हमें पिछले करीब करीब 4 साल जो हुआ वित्त वो नहीं मिला था, इस साल से हमारा 15वें वित्त के रूप में वो हमें मिलना शुरू हुआ है, और उससे जो है विकास को एक नई गति मिली। अगर पिछले 5 साल में अगर जो हुआ वित्त हमें मिला होता, तो करीब करीब जितना काम हमने आज की डेट तक करा दिया है, उससे करीब करीब 10 गुना ज़्यादा काम हम करा पाते। राज्य वित्त पर ही हम डिपेंड थे, तो राज्य वित्त बहुत थोड़ी सी धनराशि आती है राज्य वित्त में। अब 14-15 वित्त मिलना शुरू हुआ है, तो काम बहुत तेजी से हो रहा है, विकास को एक नई गति जी। कई ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान या किसी भी जो जनप्रतिनिधि या मुखिया रहे हैं गांव में, जो ये सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं, इनको लेकर के कई ग्राम पंचायतों में समस्याएं खड़ी हुई है, क्योंकि कहीं पर ग्राम समाज की जगह नहीं है या पैसा अभी तक नहीं आया, वहाँ पैसा काफ़ी पहले तादाद में लगा दिया गया है और अब उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी समस्याओं के लिए क्या कोई जो है उसका हल निकला है? जिन ग्राम पंचायतों में जगह नहीं है, ग्राम पंचायत में ग्राम समाज की, वहाँ पर जो ये दिक्कतें आई हैं उनका क्या कोई समाधान निकल पाया है? समाधान यही है कि हर एक गांव में ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, और लगभग 80% गांव में ग्राम पंचायत जो भवन है, पंचायत भवन का काम लग चुका है। जहां कहीं दिक्कत आ रही है तो शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हमारे उच्च अधिकारी जो हैं CDO DDO वगैरह भी गांव में आ चुके हैं, लेखपाल और सचिव से संपर्क करके वो सारा निस्तारण किया जा रहा है। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो अगर हमारे स्तर की होगी तो वह हम शॉर्ट आउट करेंगे जी। और बाकी रहा सवाल कहीं ग्राम पंचायत ग्राम समाज की ज़मीन ना होने का, तो ऐसा नहीं है, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां ग्राम समाज की ज़मीन ना हो, हर एक गांव में ग्राम समाज की ज़मीन है जी। लेकिन ग्राम समाज की ज़मीन
हैं भी कुछ पंचायतें ऐसे जिसमें नहीं है, लेकिन और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें ग्राम समाज की जमीन तो है लेकिन उनका कुछ दबंगों का या किसी किसी भी एक उसका कब्जा रहता है, वहाँ पर कब्जा मुक्त कराने की भी पूरी कोशिश की जाती है लेकिन समाधान हालांकि मिल नहीं पाता। कई शिकायतें रहती हैं कि कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें उन लोगों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से? देखिए ऐसा है कि हर एक गाँव में प्रधान सक्षम है, किसी तरीके अगर दबंग के उसमें अगर जमीन है तो वो निकलवा ली जाएगी, और अगर कहीं प्रधान सक्षम नहीं है उसे हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं, और अगर उच्च अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा उच्च अधिकारी हमारे संपर्क में रहते हैं। तो कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, और कहीं अगर आ भी रही है तो उसे शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत मेरे अपने ख्याल से नहीं आनी चाहिए। अब जो समय आने वाला है, हालांकि कार्यकाल पूरी तरह से सभी का समाप्ति की ओर है, जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर पर हैं, और आप एक ब्लॉक प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कोई भी नेता, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, या वो केंद्र स्तर पर हो, एक जनप्रतिनिधि होने से पहले एक सामाजिक व्यक्ति होता है, समाज के लिए उसका अपना एक अलग योगदान रहता है, तो उस दिशा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैं मेरे बड़े भाई जो अफजाल हुसैन है वो जिला पंचायत मेंबर भी हैं, और हमारा मेन काम क्षेत्र के लोगों का विवाद की पंचायत कराने का है। हम विवाद को शॉर्ट आउट करते हैं, छोटे छोटे मसले आए दिन जिनमें एक दफ़े दो दफ़े या हफ्ते में एक दो दफ़े हमारे पास ऐसे आते रहते हैं जिन्हें हम ये काम करते रहते हैं पंचायत के लिए। और जहाँ तक सवाल है सामाजिक होने का, तो मेरे वालिद श्री नाजिर हुसैन जो कि उप प्रमुख भी रहे कई दफ़े, तो वो भी सामाजिक ही थे, लोगों की पंचायतें ही करते रहते थे, तो वही काम हमारा है। माने ये कह सकते हैं कि जनता से एक जो सीधा आपका संपर्क है वो रहता है, जनता के बीच में आप बने रहते हैं, छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर उनकी आपके द्वारा जो है 24 घंटे अवेलेबल हैं। हम दोनों भाई, तीन भाई हैं हम, एक छोटा भाई है जो ज़्यादातर खेती वगैरह का काम देखता है, लेकिन 24 घंटे सदैव तत्पर है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, चाहे वो पुलिस थाने की है, कोर्ट कचहरी की हो, या आपसी कोई मामला, हम दोनों भाई हमेशा आगे रहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत लोगों को नहीं आने देते हैं। जहाँ तक कोशिश ये करते हैं कि मामला कोर्ट कचहरी से या थाने से मतलब पूरा एफर्ट एक सामाजिक रूप से पूरा एफर्ट जनता के बीच में देते हैं। जी जी, तो इंजीनियर साहब जैसे कि त्योहारों का वक्त है, त्योहारों का सीजन है, दीपावली भी करीब है, नवरात्र चल रहे हैं, तो इसको लेकर अपने पूरे क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। मैं पूरे सभी ब्लॉकवासियों को और जिला महासचिव समाजवादी पार्टी का होने के नाते जिला वासियों को नवरात्रि की, आने वाली दीपावली की और सभी त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सभी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए, मास्क वगैरह इस्तेमाल करते हुए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए हर त्यौहार मनाएं। आपका हर दिन शुभ हो, आपके लिए हर त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने इंजीनियर इकबाल हुसैन साहब जो कि ब्लॉक भगतपुर टांडा के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनसे हमने यहाँ बातचीत की है। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति पूरे क्षेत्र में ये रहे हैं, और पूरे परिवार में हालांकि एक भाई जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, और ये खुद ब्लॉक प्रमुख हैं, और वालिद साहब भी जनता के बीच में काफ़ी संपर्क से बने हुए थे जो अब नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सभी का, पूरे परिवार का जनता से बड़ा सीधा सीधा संपर्क रहता है, जनता के बीच हर वक्त हर मुश्किल में हर समय में तत्पर तैयार रहते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जनता से इसी तरह का संपर्क इनका बना रहेगा, और जनता इसी तरह स्नेह और सक्रियता से इन जो है यहाँ इनका सहयोग करेगी। अशरफ अली के साथ जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ आज इस समय मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा में लगने वाली ग्राम पंचायत दोलपुरी बमनिया में, जहाँ के निवासी एक ही परिवार के दो सदस्य जो कि एक जिला पंचायत सदस्य हैं, मोहम्मद अफजाल हुसैन साहब, और ब्लॉक प्रमुख जो यहाँ इसी परिवार के दूसरे भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर इकबाल हुसैन जी, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हमने जानकारी ली है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरह से जनता को जो है योगदान दिया है।
अब इस समय हमारे साथ यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं जो अलग अलग ग्राम पंचायतों से हैं। ब्लॉक भगतपुर टाणा में 63 ग्राम पंचायतें लगती हैं और अलग अलग गांवों से यहाँ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि इस परिवार के जो सदस्य हैं, खासकर जो हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रियाएँ जनता के प्रति किस तरह से रहती हैं, किस तरह का योगदान जनता को उनका रहता है, क्या भूमिका उनकी यहाँ पर रहती है इस पूरे क्षेत्र में, आइए बात करते हैं। जी आप नाम बताइए। इकरार हुसैन। इकरार हुसैन जी, कौन से गांव के निवासी हैं आप? मैं बेड़े रोशनपुर का निवासी हूँ। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे जो ब्लॉक प्रमुख हैं इकबाल हुसैन जी? जी, तो उनका कहना है कि जनता से उनका सीधा संपर्क रहता है, जनता के लिए काफ़ी सक्रिय वो रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, जब से इनके पास ये पद आया है प्रमुख के साथ, जब से ये सीधे सीधे पब्लिक से जुड़े रहे हैं और जब भी कहीं भी जब कोई भी काम पब्लिक का पड़ता है, किसी भी गांव में आप ले लीजिए, बहुत सारे गांव पड़ते हैं, सीधा इनका उनसे गांव वालों से संपर्क रहता है और जहां भी जिस ग्रामीण वालों को भी ज़रूरत पड़ती है प्रमुख साहब की, प्रमुख साहब वहाँ पहुँचते हैं और उनकी समस्याएँ सुनते हैं और आने वाले वक्त में भी पब्लिक यही चाहती है कि हमारे यहाँ के जो मूल निवासी हैं प्रमुख साहब या हमारे अध्यक्ष साहब, ये दोबारा फिर ये इस पद को लड़े। जी, मेरा नाम मोहम्मद कयूम है, मैं जिला मुरादाबाद बहोरनपुर कला का रहने वाला हूँ। जैसे कि हमारे ब्लॉक भगतपुर टांडा में 63 ग्राम पंचायतें लगती हैं, उसमें पहले से भी कई प्रमुख रह चुके हैं, हमने कभी जाना ही नहीं क्या प्रमुख होता क्या है, और जो भी प्रमुख अगर कोई गया भी ब्लॉक में तो मैं देखा और पूछा लोगों से और बताया कि अब तक जो है उन प्रमुख का रिश्वत का ही बाजार रहा है ब्लॉक के अंदर, जब से 5 साल से ही आए हैं, इनका कार्यकाल पूरा होने के लिए जा रहा है, जब से लोगों की समस्या सुनी जा रही है और बहुत अच्छी तरीके से, मतलब लोग तारीफ करते हैं प्रमुख साहब की, हम भी कह रहे हैं इस बात को, और बहुत अच्छी पब्लिक की, मतलब 63 गांव के अंदर कोई सा ऐसा गांव नहीं है जिसमें एक दो दो काम। आपने जो अभी ये कहा कि ब्लॉक के अंदर काफी रिश्वतखोरी का माहौल पहले से बना रहा है, तो अब इन 5 सालों में आपने उसमें बदलाव देखा? बिल्कुल बदलाव, इतना बदलाव देखा का किसी जनता के मुँह ये सुना ही नहीं, उसकी समस्या सुनी गई है अब तक, और बहुत ही अच्छा माहौल ब्लॉक का रहा है, जिसमें कि बहुत से काम खंडर पड़े थे ब्लॉक के अंदर, उसमें जैसे सभागार बनाया गया है बैठक के लिए और भी कई काम, मतलब कमरे बनाए गए हैं, और ब्लॉक की भी, मतलब ऐसा मान लीजिए तस्वीर बदल दी है प्रमुख जी ने जी। और मतलब यह है कि 63 ग्राम पंचायतों के अंदर को ही साबी, मतलब ऐसा मान लो कि 91 मेंबर थे जो प्रमुख साहब को चुनने के लिए थे, तो सारों ने तो वोट दिया नहीं, मगर फिर भी प्रमुख साहब ने ये, मतलब भेदभाव हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं रखते हुए, हर अपने, मतलब यह है कि BDC मेंबर को सारे सबको काम, हाँ जी 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 हाँ, काम दिया है, काम कराया है, और जहाँ काम, मतलब ऐसा मान लो शिकायत लोगों की, गारा कीचड़ बहुत सी, मतलब समस्या थी, सब प्रमुख जी ने सुनी और अब पूरी तरीके से पब्लिक से जुड़े रहते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं जाके भी, और अपने घर जो उनके घर पे आते हैं उनकी, माने जनता के बीच में बने जी, जी जी जी। मोहम्मद यामीन जी, कौन से गांव के निवासी हैं? ग्राम पंचायत बहेड़ी। ग्राम पंचायत बहेड़ी जी। यहां पर जो ब्लॉक प्रमुख इकबाल हुसैन साहब हैं जी, उनका किस तरह से योगदान रहता है, क्या भूमिका रहती है आप लोगों के बीच में, जनता की समस्याएं किस तरह सुनते हैं, किस तरह उनका जो है आपका सहयोग? जनता की समस्या इस तरह से होती है, पिछले 5 साल से आप ये समझ लीजिए कम से कम 500 पंचायतें करी होंगी जनता के लिए जी। और कोई भी आदमी अभी तक ये नहीं कहेगा, बोला हाँ भाई प्रमुख साहब तुम ये गलत काम कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पब्लिक से जुड़े रहते हैं जी। और आने वाले टाइम में भी हमें उम्मीद है। 5 साल का कार्यकाल बीता है अभी तक, लगभग बीतने को ही है पूरा, तो इस कार्यकाल से कितने सहमत हैं आप? बहुत बढ़िया, हम बिल्कुल फुल सहमत हैं, फुल तरीके से इनके साथ हैं, सहयोग देते हैं जी 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 जी, पूरा फुल सहयोग देते हैं। नाम बताएं जी। मैं मोहम्मद इरशाद। कौन से गांव के निवासी? ग्राम कोटला नंगला। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ 5 साल जो ब्लॉक प्रमुख हैं मौजूदा आपके इस वक्त, उनके भी कार्यकाल को समाप्त होने को हैं, तो इनके कार्यकाल से कितने सहमत है, विकास कार्य को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा विकास किया है इन्होंने इन 5 सालों के अंदर, हर गांव में आपका विकास है और पब्लिक से सीधे इनका संपर्क रहता है, पब्लिक का फिर यही इरादा है कि आपको आने वाले फिर वक्त में यही 5 साल इस पद को फिर दोबारा आपको संभालें।
पब्लिक मतलब भरपूर तरीके बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से संतुष्ट है और भरपूर तरीके से पब्लिक इनके साथ है। जिस तरह से पहले साथ थी आज भी इस तरह से इनके साथ है और आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा इन 5 साल में। और जिस तरह से इन्होंने अपने इस पद की जिम्मेदारी जो होती है सदस्य बनने के बाद में, इस तरह से आपने बहुत अच्छी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। संतुष्ट हैं यहाँ बिल्कुल सब लोग संतुष्ट हैं और सब यही चाहते हैं कि फिर आने वाले वक्त में फिर यही ब्लॉक प्रमुख बने। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक जी। कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम बराही लालपुर। बराही लालपुर। आप अभी जानकारी मिली कि आप पीटीसी मेंबर भी रहे हैं। जी 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 हाँ। तो जो ब्लॉक प्रमुख यहाँ पर मौजूदा हैं इस वक्त में, उनके 5 सालों के कार्यकाल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही काम किया है जी, इन्होंने बढ़िया काम किया है। जी, आपका समर्थन रहा था चुनाव के समय में? हाँ, मेरा रहा था जी। तो अब आगे आने वाले समय के लिए क्या लगता है आपको, किस तरह का जो एक प्रतिनिधि है किस तरह का चुनना चाहेंगे? सही चुनना चाहेंगे, जैसे इनका कार्यकाल गया है वैसे ही चुनना चाहेंगे। आपने देखा यहाँ काफ़ी तादाद में हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे जो ब्लॉक भगतपुर टांडा में लगने वाली अलग अलग ग्राम पंचायतों से यहाँ पर इस वक्त हैं हमारे साथ में। उनसे बातचीत हमने की है, जाना है कि ये जो 5 साल का कार्यकाल यहाँ ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य का बीता है, किस तरह का योगदान जनता को रहा है और कितनी जनता उनसे संतुष्ट रही है, कितनी सहमत रही है, यहाँ पर हमने जान लिया है। इसके साथ ही आगे आने वाले समय को लेकर भी हमने जो जानकारी ली है, किस तरह का प्रतिनिधि वो आगे आने वाले समय में चुनना चाहेंगे, तो नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक जनता का जो है सहयोग यहाँ इनके साथ मौजूद है और आगे आने वाले समय में रहेगा भी। जनता ने इतने स्नेह और जिम्मेदारी और भरोसे के साथ जिस पद पर इन्हें यहाँ कार्यभार सौंपा है या ये जो जिम्मेदारी का पद इनके कंधों पर इस वक्त है, काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में भी जनता के सपनों को, जनता की उम्मीदों को इसी जिम्मेदारी और इसी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ ये यहाँ पर जो है अंजाम देते रहेंगे। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से।